देख सकते हो मार्केट ओपन हो गया गैप डाउन, ठीक है, कहाँ ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन हो गया, और रिवर्सल लेवल तो ओपन हुआ है। अब मेरा यहाँ से कहीं ना कहीं पुट सेल करने का व्यू फिक्स हो चुका है एकदम 110%। अब यहाँ पर मैं पुट बेचूंगा और टारगेट ऊपर का न्यूट्रल लेवल तक के आसपास हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है, अभी कोई एंट्री नहीं देख सकते हो। ये वही हमारा सेम स्मॉल चैलेंज वाला अकाउंट है, आप यहाँ पर चेक कर लो, वही अकाउंट है, पैसे वगैरह इतने बचे हुए हैं, अभी ट्रेड लेंगे इसी पर। तो मैं ऑर्डर ले लेता हूँ, ठीक है, इधर देख सकते हो कि मैं ऑर्डर लेने के मूड में बैठा हुआ हूँ, और ये सब मैं लगा लेता हूँ पहले। एटीएम पे बेचेंगे, ये बोला, लोड बढ़ा लेते हैं, दो लोड, इसको भी दो लोड, बाय भी कर लेता हूँ, ठीक है, एक लोड में बाय कर लूँगा कॉल वाला। बस अभी एंट्री मिलेगी तो ट्रेड लेकर के आपके साथ शेयर करूँगा। तो सिंपली अब ट्रेड ले लेते हैं यहाँ से, सिंपली कंफर्म। देखो सारे ऑर्डर लग चुके, बास्केट ऑर्डर का फीचर आ चुका है, कहीं भी लगा सकते हो, कभी भी लगा सकते हो, और इतना चल रहा है, 300 रुपये का नुकसान दिखा रहा है, कोई बात नहीं। ऑर्डर स्टिम देख सकते हो, टाइम वगैरह सब आपको दिख रहा है, 9:19। मार्जिन भी देख लो कितना लगा हुआ है, मार्जिन टोटल लगा हुआ है 75,000, ठीक है। अभी नुकसान दिखा रहा है क्यों, क्योंकि मार्केट हमारे खुलते ही अगेंस्ट आने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। बट SL हमने काफ़ी टाइट रखा हुआ है स्टेट में, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अदरवाइज देखेंगे अगर स्टॉप लॉस काट देगा तो फिर पोजीशन को बंद कर देंगे, इसमें क्या है, ठीक है। अभी होल्ड करना बनता है यार, इतना जल्दी होपलेस और वो मत हो, ठीक है। अपने मार्केट ऊपर जा सकता है, यहाँ से ऊपर जाएगा तो अच्छा खासा, कम से कम पहला टारगेट तो न्यूट्रल लेवल ही होगा इसका, ठीक है। अभी थोड़ा सा लोगों को डरा रहा है, तो डरा लेने को एक बार, इसके बाद देखते हैं क्या करना है। ऐसे तो मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और 200 रुपये नुकसान दिखा रहे हैं। अपने SL की अगर बात करोगे आप, तो अभी प्रेजेंट टाइम में अपना ऐसा कहने के जगह आसपास रख रहा हूँ, ठीक है। इसके नीचे का जाएगा तो मैं पोजीशन काटने का सोच सकता हूँ, तो अभी वेट करके देखते हैं क्या करता है मार्केट। देख लो कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास आ गया ना, कुछ दिन में प्रॉफिट दिखाएगा, अभी परेशान होने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा वेट करना है बस। देखो फाइनली प्रॉफिट में आ गया 150-200 का, यही होता है मार्केट में, ठीक है, यही होता है पेशेंस रखने का तरीका, और सही जगह पर एंट्री करोगे तो ऐसे ही होगा, अदरवाइज भटको क्या करोगे। अभी 200-300 का प्रॉफिट दिखा रहा है, अभी लॉस दिखा रहा था, अभी प्रॉफिट दिखाने लगा, तो ऐसा ही होता है मार्केट में। ये टारगेट अभी देखो न्यूट्रल लेवल भी, मतलब ये गैप का एरिया भी फिल कर सकता है, ये जो हमारा न्यूट्रल लेवल का इलाका है, वहाँ तक भी मार्केट आ सकता है, तो इसी के लिए हम वेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, जैसा होगा हम आपके साथ ये शेयर करते रहेंगे। तो अभी देखो अभी भी ना मेरे पास ये लेवल बचे हुए हैं, ये लेवल बचा हुआ है, इस लेवल पर मैं पुट सेल कर सकता हूँ, ठीक है। ये भी हमारा एक रिवर्सल लेवल है एक्स्ट्रा वाला, इसको मैंने अभी ड्रॉ किया हुआ है, तो इस लेवल पर भी अगर बाइंग मिलेगी ना तो मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ पुट सेल करने का। अदरवाइज हम आज का दिन इग्नोर करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। इसके बाद अगर बात करोगे तो मार्केट 44,700 पर रिवर्सल लेवल कहीं ना कहीं है, तो यहाँ से भी एक मार्केट अपसाइड का मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। तो अब ये देखो ये मूवमेंट थोड़ा सा हमारे अगेंस्ट जा रहा है, बट फिर भी हम इसमें ट्रेड नहीं ले रहे हैं, क्योंकि देखो रूल इज रूल, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। प्रॉफिट करने के लिए तो कहीं भी ट्रेड कर दो प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिटेबल बने रहने के लिए ना आपको डिसिप्लिन फॉलो करना ही पड़ेगा। उसी डिसिप्लिन को मानते हुए हम रुके हुए हैं, अभी वेट कर रहे हैं, यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ट्रेड करेंगे, नहीं मिलेगी तो नहीं करेंगे, इसमें क्या है। तो देखो एक अंतिम ट्रेड लेने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद कोई ट्रेड नहीं करूँगा, सेम चीज़ें करूँगा, इसको बाई करता हूँ फिर से। देखो सेम लॉट कर रहा हूँ, सेम क्वांटिटी करूँगा आप लोगों के सामने, ये बाई हो गया और ये सेल करो, सेल भी हो गया, और एक कॉल को बाई कर लो बस। अब यही है लास्ट, इसके बाद कोई ट्रेड कुछ भी 3-5 नहीं करना मुझे, ठीक है, ये लास्ट है। स्टॉप बता देता हूँ, स्टॉप लॉस ये हमारा रहेगा, ठीक है। अगर इसको काट देगा, इसके ऊपर है तब तो भाई साहब मौज है, ठीक है, इसके नीचे जाएगा तो फाइनली स्टॉप लॉस इधर के आसपास होगा, इसके नीचे गया तो पोजिशन काट करके निकल जाऊँगा, फिर आज के दिन पर मैं कोई ट्रेड नहीं करने वाला, सुन लिया आप लोग, आज के दिन पर मैं फिर कोई ट्रेड नहीं करूँगा। अदरवाइज यहाँ से ऊपर चला जाए तो बढ़िया है, और ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी बने हैं, क्योंकि 45,000 से मार्केट देखो ऊपर तक का जा रहा है, यहाँ से एक मूवमेंट अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, ठीक है। राउंड फिगर नंबर पर सपोर्ट भी है, तो देखो क्या होता है, ये लास्ट ट्रेड है, इसके बाद कोई ट्रेड नहीं करने वाला। तो भी देखते हो मार्केट ऊपर जा रहा है और प्रॉफिट भी इतना दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ट्राई करूँगा कि इस ट्रेड में नुकसान ना लूँ, बाकी देखते हैं क्या होता है। अभी देखो अभी तो यार मार्केट वहीं चल रहा है, 180 का प्रॉफिट दिखा रहा है, थोड़ा सा आज जो मूवमेंट आ गया ना वो उम्मीद इसकी नहीं थी कि मार्केट इतना सडल्ले से गिरता हो जाएगा, तो ये लास्ट है, ठीक है। अगर गिरा हुआ भी है देखो तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, यहाँ पर चांसेस मैक्सिमम है कि फेवर में जाएगा,
अदरवाइज अब देखो मैं ट्रेलिंग स्टॉप थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, इधर के आसपास में ना पोजिशन काट लूँगा, इधर के आसपास आ गया तो पोजिशन काट लूँगा, क्योंकि ज़्यादा रिस्क मैं नहीं ले सकता। ठीक है, ज़्यादा रिस्क लेना भी नहीं चाहिए यार, प्रॉफिट वाले ट्रेड को होल्ड करना है, लॉस वाले ट्रेड को नहीं होल्ड करना है। ऐसा तो लॉस दिखा रहा है, लॉस में क्यों होल्ड करूँ, आ जाए 45,000 का एसएल है उधर ही आ जाएगा तो काट दूँ कर निकल जाऊँगा, क्या होगा, 500 का नुकसान दिखा देगा, यही होगा बुरा से बुरा कंडीशन, क्या होगा बताओ, देखते हैं क्या होता है। देखो आगे ना मार्केट पुंगी बजाने इतने तेज आ रही है ना कि मूड डिस्टर्ब हो जा रहा है कभी कभी। देखो आगे ना अब कुछ नहीं करना है, अब भाई साहब टाटा बाय बाय कर देना है। ठीक है, ऐसे करो, यहाँ से स्क्वायर ऑफ, यही हो गया 390 का नुकसान। अब आज के दिन पर कोई ट्रेड नहीं करना है, क्या नहीं करना है, फिर से सुन लो, नहीं करना है, काम खत्म, कल देखेंगे क्या करना है।